नमस्कार मेरे प्यारे साथियों तो कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जबरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे दोस्तों तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों ठीक है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों जबरदस्त तरीके से एक बार दोस्तों जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अगर आपको इसका पी चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है या फिर टेलीग्राम चैनल पर गुप्ता जी टीचिंग सेंटर सर्च कीजिएगा तो दोस्तों आ जाएगा ठीक है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल क्या कर आपके सामने सबसे पहला सवाल है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति का जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया, गया है दोस्तों ये अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद एक में किया गया ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद एक में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद एक में किया गया दोस्तों अगर बात करते हैं याद रखिएगा दोस्तों की अनुच्छेद एक सौ में क्या है तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रपति को थे। जा अध्यादेश अध्या जारी, जारी करने की शक्ति जो प्राप्त है अनुच्छेद एक के तहत प्राप्त है ठीक है यानी कि राष्ट्रपति को ठीक है याद रखिएगा राष्ट्रपति को अध्यादेश ठीक है है आपको ध्यान रखना अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्राप्त है जारी करने की शक्ति ठीक है आपको ध्यान रखना है जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है ठीक है यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है याद रखिएगा कि राज्यपाल को ठीक है यदि आपको ध्यान रखना है नोट के रूप में राज्यपाल को ठीक है राज्यपाल को ठीक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है दोस्तों अध्यादेश जारी करने करने की की जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद दो सौ तेरह के तहत ठीक है याद रखिएगा अनुच्छेद यानी दो सौ तेरह के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद एक सौ तेईस के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों अगर बात करते हैं अनुच्छेद 124 में क्या क्या उल्लेख किया गया याद रखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया ठीक है सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा कि सर्वोच्च याद रखिएगा दोस्तों कि कि सर्वोच्च सर्वोच्च ठीक ठीक है है न्यायालय याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ठीक है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना ठीक है और उसका गठन के बारे में बताया गया है और उसका गठन का उल्लेख जो किया गया है याद रखिएगा अनुच्छेद 124 में किया गया है यानी कि सर्वोच्च याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और उसका गठन का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 124 में में किया किया गया गया है अनुच्छेद 117 किसका उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा तो विधेयक का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद एक में किया गया ठीक है वित्त विधेयक आपको ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद एक में और वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद दो में किया गया ठीक है याद तो रखिएगा अनुच्छेद एक में क्या है दोस्तों तो याद रखिएगा अगर बात करते हैं कि संयुक्त बैठक ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक का जो बुलाता है खास करके ठीक है राष्ट्रपति के द्वारा जिसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं तो एक अनुच्छेद एक में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है ठीक है धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद एक में किया गया अनुच्छेद एक में क्या बताया था अभी अनुच्छेद एक में संयुक्त अधिवेशन लेकिन संयुक्त बैठक संयुक्त तो बैठक यानी संयुक्त तो अधिवेशन जो है जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद एक में दोस्तों इसमें दोस्तों संयुक्त तो बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों सवाल क्या था कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति का जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद एक में किया गया ठीक है फिर से रिवीजन कर लेते हैं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद एक में है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है ठीक है अनुच्छेद एक में क्या है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद एक सौ सत्रह में क्या है तो वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद एक में धन विधेयक का और एक, एक याद कर लीजिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण ठीक है वार्षिक वित्तीय ठीक है विवरण का जो उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 112 में किया गया देखिए दोस्तों बजट का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया ठीक है बजट का जो उल्लेख है संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है उसके जगह पर दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद एक बारह में ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या, क्या है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब हुआ था याद देखिएगा दोस्तों इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना अठारह में किया गया।, तो गया था कब किया गया था अठारह में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था दोस्तों ठीक है किसके द्वारा किया गया था याद रखिएगा कि संस्थापक कौन थे संस्थापक थे ये आपको ध्यान रखना है तो महादेव गोविंद रनाडे थे कौन थे महादेव गोविंद रनाडे ये आपको ध्यान रखना है महादेव गोविंद जो रनाडे है ठीक है रनाडे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे कब किए थे अठारह में किया थे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है ठीक है सवाल पूछेगा कि महाराष्ट्र का ठीक है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है तो महाराष्ट्र का जो सुकरात है किसे कहा जाता है दोस्तों तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं ठीक है अठारह में क्या हुआ था ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अठारह में प्रथम जनगणना हुआ था ठीक है प्रथम जनगणना कब हुआ था ठीक है प्रथम जनगणना जो हुआ था वो अठारह में हुआ था दोस्तों किसके शासनकाल में तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था ठीक है याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो के काल में जो प्रथम जनगणना हुआ था वो अठारह में हुआ था दोस्तों ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं कि अठारह दोस्तों ये भी डेट याद रखिएगा तो सवाल पूछेगा कि दस किये आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था ठीक है दस की आधार पर जनगणना जो शुरू किया गया था याद रखिएगा दस की आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था जनगणना ठीक है ये कब किया शुरू किया गया था ये जो शुरू किया गया था दस के आधार पर जनगणना अठारह सो इक्का में शुरू किया गया था और किसके काल में तो लॉर्ड रिपन के काल में ठीक है लॉर्ड रिपन के काल में अठारह सो इक्का आधार पर जनगणना शुरू किया गया था ठीक है ये आपको ध्यान है. और अठारह सो बहत्तर में प्रथम जनगणना शुरू हुआ था दोस्तों किसके काल में तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के शासन काल में ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं अठारह सो पचासी में दोस्तों याद रखिएगा कि अट्ठाईस दिसंबर अठारह सो पचास को ठीक है अठाईस दिसंबर अठारह सौ पचास को किसका स्थापना हुआ था तो कांग्रेस का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था ठीक है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था ये आपको ध्यान रखना है है कांग्रेस कांग्रेस का का जो स्थापना हुआ था दोस्तों ठीक कब हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अठाईस दिसंबर अठारह सौ पचासी को हुआ था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अठारह सो संतानवे दोस्तों ये दो डेट याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहला डेट याद रखिएगा कि अठारह सो संतानवे में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था अठारह सो में हुआ था संस्थापक कौन थे तो स्वामी विवेकानंद थे कौन थे स्वामी विवेकानंद ठीक है आपको ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे अठारह सो में और 23 जनवरी अठारह सो संतानवे को यह भी डेट याद रखिएगा कि 23 जनवरी अठारह सो संतानवे को किसका जन्मदिवस किसका जन्म हुआ था दोस्तों तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था ठीक है याद रखिएगा तो सुभाष ठीक है सुभाष चंद्र बोस ठीक है याद रखियेगा सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था तेईस जनवरी अठारह में हुआ था कहा हुआ था तो कटक कटक में हुआ था दोस्तों ये कहां पड़ता है तो ये उड़ीसा में पड़ता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है उड़ीसा का एक शहर है दोस्तों कटक वहीं इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का ठीक है अगर बात करते हैं कि 23 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस

प्रथम जनगणना हुआ था दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था अठारह सौ दोस्तों दस की जनगणना शुरू किया गया था यानी कि हर दस साल पर वो कब से शुरू किया गया तो अठारह सौ किसी में किसके काल में तो लॉर्ड रिपन के काल में दोस्तों ठीक है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था तो लॉर्ड रिपन नहीं किया था ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला है कि अठारह सो पचासी में क्या हुआ था अठाईस दिसंबर अठारह सौ पचास को ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था संस्थापक कौन थे दोस्तों ये कांग्रेस के संस्थापक थे आपको ध्यान रखना है अठारह में दो डेट याद रखिएगा दोस्तों दो, दो पॉइंट याद रखिये सबसे पहला पॉइंट है यह रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था ये हुआ था अठारह सौ संतानवे में संस्थापक कौन थे स्वामी विवेकानंद ठीक है उसके बाद 23 जनवरी अठारह को ठीक है कटक ओडिशा में सुभाष चंद्र भोजी का जन्म हुआ था तेईस जनवरी को जन्म दिवस पर ठीक है पराक्रम दिवस मनाया जाता है यह भी आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल देखिए दोस्तों थ्री नंबर सवाल देखिए ठीक है थ्री नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि राज्यपाल के क्षमादान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों तो राज्यपाल के क्षमादान संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद एक में किया गया किसमें किया गया है अनुच्छेद एक में दोस्तों राज्यपाल के क्षमादान संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करते दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यपाल के पद का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद एक में किया गया ठीक है याद रखिएगा राज्यपाल के ठीक है राज्यपाल के जो पद का जो उल्लेख किया गया है राज्यपाल के पद का उल्लेख है ये किसमें किया गया है ये किया गया दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद में किया गया ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अनुच्छेद एक किसका उल्लेख किया गया है याद तो कैग का उल्लेख किया गया सी ए जी कैग का फॉर्म क्या होता है कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल दोस्तों ये क्या होता है कैग का फोर्फर्म होता है वर्तमान में कैग कौन है दोस्तों याद रखेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मुर कौन है गिरीश ठीक है ग्रिश चंद्र मुमर ठीक है ये आपको ध्यान रखना गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये आपको ध्यान रखना गिरीश चंद्र मुर्म जो है क्या है वर्तमान में कैग है दोस्तों कैग का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद अड़तालीस में किया गया है कैग का फुल फॉर्म क्या होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ठीक है अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों याद रखिएगा तो अनुच्छेद में बताए थे आपको वार्षिक वित्तीय विवरण ठीक है वार्षिक वित्तीय विवरण ठीक है ये आपको ध्यान रखना है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 112 में किया गया अगर बात करते हैं कि अनुच्छेद देखिए

और जो सजा हुई उसको सजा को कम कर सकता है वो अनुच्छेद बहत्तर के तहत यानी कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है वो अनुच्छेद अनुच्छेद के तहत ठीक है है को ध्यान रखना कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है ठीक है क्षमादान ठीक है याद रखिएगा क्षमादान की शक्ति ठीक है दोस्तों क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है ये आपको अनुच्छेद बहत्तर के तहत प्राप्त है ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद एक सौ इकसठ ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखेंगे फोर नंबर सवाल देखिए फोर नंबर सवाल क्या कर आपके सामने नंबर सवाल दोस्तों के सामने कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था दोस्तों ठीक है याद रखिएगा समाप्त किसने किया था ये आपको ध्यान रखना है तो बलबन ने समाप्त किया था ठीक है बलबन ठीक है दोस्तों याद रखिएगा बलबन को दोस्तों एक उपाधि दिया गया है ठीक है उलूग खान ठीक है याद रखिएगा कि उलुग अगर बात करेंगे कि उलुग खा की जो उपाधि दिया गया किसे दिया गया है उलुग खा ठीक है उलुग खा की उपाधि जो दिया गया दोस्तों ठीक है देखिए उलुग खा के जो उपाधि दिया गया है ऐसा ऐसा उपाधि है दोस्तों कि नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है उलुग खा ठीक है तो उलुग खा की जो उपाधि दिया गया है यानी बलबन -बल, बलबन का एक दबाद था दोस्तों यानी बलबन के दमाद के द्वारा ही बलबन को एक उपाधि दिया गया था उलुग खां की उपाधि ठीक है ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है और तुर्कान ए चहलगानी ठीक है तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया है तो बलबन ने समाप्त किया सवाल पूछेगा कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने शुरू किया था तो शुरू किया था इल्तुतमिश ने ठीक है शुरू किसने किया था तो शुरू किया था इल्तुतमिश समाप्त किसने किया बलबन ने समाप्त किया ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं थोड़ा सा इब्राहिम लोदी के बारे में देखिए लोदी वंश का संस्थापक कौन थे बहलोल लोदी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि लोदी वंश के संस्थापक ठीक है लोदी लोदी वंश के संस्थापक के बारे में बात करेंगे लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे तो बहलोल लोदी थे ठीक है बहलोल लोदी जो थे ये लोदी वंश के संस्थापक थे अगर बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी ने लोदी वंश का स्थापना सॉरी लोधी वंश का संस्थापक लोधी वंश का संस्थापक बहलो लोदी इब्राहिम लोदी है दोस्तों ये लोदी वंश का, 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 का अंतिम शासक है ठीक है यानी लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है लोदी वंश का अंतिम शासक लोदी वंश का अंतिम ठीक है अंतिम शासक कौन हुए तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है वो है दोस्तों इब्राहिम लोधी ठीक है और याद रखिएगा कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर ठीक है बाबर ने इब्राहिम लोधी को यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि पानीपत ठीक है पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था यह हुआ था 1526 में ठीक है है आपको ध्यान रखना किसके किसके बीच हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ठीक है आपको ध्यान रखना और बाबर क्या हो गया था दोस्तों जीत गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर ठीक है आ, मुगल वंश का स्थापना किए थे बाबर ने मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था यह पंद्रह में हुआ था याद रखिएगा कि मुगल वंश का स्थापना हुआ था पंद्रह में अच्छा बाबर नामक किसने लिखा है दोस्तों तो बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा है ठीक है याद रखिएगा बाबर नामा खुद बाबर ने लिखा है बाबरनामा ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों बाबर बाबर का जो मृत्यु हो गया था ये कब हुआ था तो बाबर का मृत्यु 1530 में हो गया था 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध पंद्रह में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो याद रखिएगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था दूसरा युद्ध की अगर बात करते पानीपत का तो कब हुआ था पंद्रह सो में हुआ था ठीक है याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था तीसरा जो युद्ध हुआ था सत्रह सो इकसठ में हुआ था कब हुआ था सत्रह सौ इकसठ में हुआ था दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों सत्रह सो इकसठ में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ठीक है सत्रह सो इकसठ ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों अगर बात करते हैं समझिएगा यहाँ पे अकबर के बारे में समझिए अकबर का जन्म कब हुआ था पंद्रह में हुआ था अकबर का जन्म ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अकबर का जो मेन रूप से अगर बात करेंगे देखिए अकबर का जो शासनकाल माना जाता है कब से कब तक माना जाता है तो पंद्रह से लेकर ठीक है पांच तक ठीक है ध्यान रखना पंद्रह सौ से सोलह सौ तक अकबर का शासन है अकबर ठीक है याद खीगा? अकबर अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों याद रखिएगा कि अकबरनामा लिखा था अकबर नामा किसने लिखा था अकबरनामा दोस्तों अबुल फजल ने लिखा था किसने लिखा था अबुल फजल ने लिखा था ठीक है आपको ध्यान रखना है अगर पूछेगा सवाल कि मायू नामा किसने लिखा था तो हुमायू नामा लिखा था दोस्तों गुलबदन बेगम ठीक है यानी हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम जो अकबर के कहने पर ठीक है हुमायूं नामा लिखे थी ठीक है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो सवाल था कि तुर्कान चाहगामी को किसने समाप्त किया था तो बलबन ने समाप्त किया था किसने समाप्त किया था बलबन ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे फाइव नंबर सवाल देखिएगा ठीक है देखिए दोस्तों फाइव नंबर सवाल आपके सामने है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है याद रखिएगा लेखा समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों बाईस होती है कितनी होती है बाईस सवाल पूछेगा कि लोकसभा में कितना सदस्य होता है ठीक है सवाल पूछेगा कि लोकसभा दोस्तों दो, दो, यहाँ पे लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में पंद्रह सदस्य होते हैं और राज्यसभा में दोस्तों सात सदस्य होते हैं ठीक है टोटल कितना सदस्य हो गया बाईस सदस्य लेकिन लोकसभा में सात पंद्रह सदस्य होते हैं राज्यसभा में सात सदस्य बात करेंगे कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या बाइस होती है सवाल पूछेगा दोस्तों कि प्राकलन 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 की, की प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है ठीक है प्राकलन समिति में ठीक है प्राकलन समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है सदस्यों की संख्या ठीक है पराकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों तीस होती है कितनी होती है तीस ठीक है ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो समिति की संख्या होती है तीस होती है और तीस जो होता है दोस्तों ये पूरे लोकसभा का होता है ठीक है किसका होता है लोकसभा ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों तो सवाल क्या है

स्थापना कब हुआ है दोस्तों नासा का फॉर्म क्या होता है नेशनल ऑर्ोनोटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल ऑर्ोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये नासा का फॉर्म होता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं कि 1935 देखिए नासा का स्थापना कब हुआ था तो याद रखिएगा या, नाइनटीन को ठीक है नाइनटीन को नासा का स्थापना हुआ था और नाइनटीन को डी का भी स्थापना हुआ था डी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा 1949 में क्या हुआ था दोस्तों चलिए सबसे तो पहले बात करते हैं यहां से 1935 सौ से देखिए 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था आरबीआई का अगर बात करते हैं आरबीआई का स्थापना कब हुआ था एक अप्रैल उन्नीस को हुआ था याद रखिएगा एक अप्रैल उन्नीस को आरबीआई का स्थापना किया गया था ठीक है याद रखिएगा उन्नीस में एसबीआई का स्थापना हुआ था एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस का स्थापना कब हुआ था उन्नीस सौ पचपन में हुआ था दोस्तों एस का पुराना नाम क्या है दोस्तों एस का जो पुराना नाम है वो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया है क्या है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया एस का पुराना नाम है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगर उन्नीस की बात करते हैं याद रखिएगा इसरो का स्थापना हुआ था आई एस आर ओ इसरो का फॉर्म क्या होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसरो का फॉर्म क्या होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो मुख्यालय है याद रखिएगा इसरो का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो दोस्तों बेंगलुरु में कहां पे है बेंगलुरु में बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है याद रखिएगा कि सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगर बात करते हैं दोस्तों उन्नीस में क्या हुआ था याद रखिएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ठीक है ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीयकरण दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो उन्नीस में ही किया गया था ठीक है आरबीआई राष्ट्रीयकरण कब किया गया था उन्नीसो में और याद रखिएगा और याद रखिएगा उन्नीस सौ उन्स में किसका स्थापना हुआ था तो नाटो का स्थापना हुआ था ठीक है नाटो नेशनल नाटो का क्या, क्या होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है नाटो का जो स्थापना हुआ था ये उन्नीस में हुआ था और नाटो का जो मुख्यालय है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है नाटो का जो हेडक्वार्टर है कहां पे है तो ब्रुसेल्स में है दोस्तों यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ठीक है ब्रूसेल्स आपको ध्यान रखना है बेल्जियम की राजधानी दोस्तों ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है और नाटो का जो स्थापना हुआ था उन्नीस में हुआ था नाटो में कितना देश है नाटो में ठीक है आरबी का राष्ट्रीय उन्नीस में किया गया था उन्नीस में दोस्तों का स्थापना हुआ था ठीक है और डीआरडीओ का भी कब हुआ था उन्नीस सौ अंठावन में ही हुआ था उन्नीसो में दोस्तों किसका स्थापना हुआ था इसरो का स्थापना हुआ था इंडियन स्पेस

कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं खाने का सोडा बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है तो बेकिंग सोडा को दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट याद सोडियम ठीक है सोडियम ठीक है सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है कार्बोनेट दोस्तों इसको क्या कहते हैं खाने का सोडा बोलते हैं क्या बोलते हैं खाने का सोडा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है सोडियम बाई कार्बोनेट क्या कहा जाता है खाने का सोडा देखिए आप समझिएगा देखिए एक होता है सोडियम कार्बोनेट जिसको दोस्तों धोवन सोडा बोलते हैं ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट जिसको बोलते हैं खाने का सोडा इसमें कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा देखिए क्या होता है पे क्या दोस्तों? बाई, बाई है है दोस्तों दोस्तों सोडियम खाने का सोडा यानी बाई जो है क्या करती है खाना बनाती है बाई क्या करती है बाई क्या करती है, क्या करती है? खाना बनाती है तो सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा ठीक है यहाँ से आप ध्यान याद रखने का एक तरीका है ठीक है और सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा तो यहां सवाल पूछा है

ठीक है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है पेरिस ठीक है ये होता है सीएसओ फोर हाफ एस टू ठीक है यहां पर ध्यान रखना है सीएसओ फोर दोस्तों टू एस टू किसका सूत्र होता है ये सीएसओ फोर टू एस टू ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है जिप्सम का ठीक है ये आपको ध्यान रखना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र सी एस ओ फोर टू एस टू एन ए टू सीओ थ्री टेनएसू यह क्या होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट क्या होता है सोडियम ठीक है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है ये आपको ध्यान रखना है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है sodium, ए टू सीओ थ्री टनएस टू जिसको बोलते हैं धोवन सोडा क्या बोलते हैं धोवन सोडा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों धोवन दोस्तों ठीक है धोवन सोडा ठीक है अगर बात करते हैं दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो एन एच सीओ थ्री कुछ और देख लेते हैं दोस्तों जैसे कि एनए एन टू ओ क्या होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों नाइट्रस, नाइट्रस ठीक है ऑक्साइड याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है ये आपको ध्यान रखना है एन टू ओ यानी कि लाफिंग गैस सी सी एल थ्री सी सी एल थ्री एन ओ टू दोस्तों किसका होता है आसू गैस का होता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है आसू गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है आसू गैस का ठीक है ये आपको ध्यान रखना है आसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है सीसीएल थ्री एन ओ टू होता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं सी एच फोर दोस्तों किसका होता है मिथेन का होता है सी एच फोर मिथेन दोस्तों जिसको क्या बोलते हैं मिथेन को गोबर गैस कहा जाता है गोबर गैस ठीक है याद रखिएगा मिथेन को दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है मिथेन कौन सा गैस कहा जाता है मार्स गैस कहा जाता है मिथेन को ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों चीनी का सूत्र क्या होता है सी बारह एच बाईस अगर हम चीनी की बात करते हैं तो याद रखिएगा सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह दोस्तों ठीक है ग्लूकोज का क्या होता है ग्लूकोज का अगर बात करते हैं ग्लूकोज का तो सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों फिटकरी की बात करते हैं तो फिटकरी जिसको मतलब तो हैं पोटास एलम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं फिटकरी को पोटास एलम भी कहा जाता है इसका सूत्र तो तो क्या होता है के ठीक है के टू एसओ के सफिक्स थ्री क्या होता है सफिक्स थ्री डॉट होता है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है के टू के सफिक्स थ्री चौबीस एच टू ये फिटकरी

छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी किया दोस्तों रायपुर याद रखिएगा तो तो बात करेंगे दोस्तों उड़ीसा याद रखिएगा दोस्तों उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था एक अप्रैल उन्नीस को हुआ था ठीक है एक अप्रैल उन्नीस को दोस्तों उड़ीसा का स्थापना हुआ था ठीक है अगर बात करते हैं कि एक अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है उड़ीसा में तो उत्कल दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस उत्कल दिवस मनाया जाता है दोस्तों एक अप्रैल को ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं याद रखिएगा देखिए दोस्तों उड़ीसा में झील है भारत के सबसे बड़े खाने पानी का झील दोस्तों चिल्का झील वो भी दोस्तों किस राज्य में है दोस्तों उड़ीसा में चिल्का झील ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर कर बात करते हैं कि उड़ीसा में सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ठीक है याद रखिएगा उद्यान ठीक है सिमली सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान ठीक है ये कहा है दोस्तों ये भी उड़ीसा में है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है भीतर कनिका नेशनल पार्क दोस्तों ये भी ध्यान रखिए ये भी उड़ीसा में भीतर कनिका नेशनल पार्क ठीक है भीतर कनिका नेशनल जो पार्क है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ये भी कहा है दोस्तों ये भी उड़ीसा में है भीतर कणिका का नेशनल पार्क सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उड़ीसा में ये उड़ीसा का स्थापना एक अप्रैल उन्नीस सौ छत्तीस को हुआ था और हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हीराकुंड बांध हीराकुंड बांध दोस्तों ये कहाँ पे है ये भी दोस्तों कहा है उड़ीसा में हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है दोस्तों हीराकुंड बांध याद रखिएगा ये मेन रूप से महानदी पर है किस नदी पर महानदी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों महा नदी दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है महा नदी ठीक है या महानदी अगर बात करिएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है महानदी पर उड़ीसा का स्थापना एक छत्तीस को ओडिसा में सबसे बड़े खाले पानी का झील चिल्का झील ठीक है उड़ीसा में दोस्तों उड़ीसा के धानी क्या होता है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर एक प्रसिद्ध मंदिर है लिंगराज मंदिर ठीक है उड़ीसा का धानी क्या होता है दोस्तों भुवनेश्वर जो होता है और भुवनेश्वर में दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा मंदिर है दोस्तों लिंगराज मंदिर है कौन सा मंदिर है लिंग राज मंदिर ठीक है ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं कि उड़ीसा में दोस्तों क्या है उड़ीसा की अगर बात करते हैं समझिएगा आप देखिए ओडिशा की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा में दोस्तों एक कोणार्क मंदिर है कोणार्क मंदिर जिसे दोस्तों ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ब्लैक पैगोडा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को जाना जाता है ठीक है वो भी दोस्तों कहाँ है उड़ीसा में ही है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं दोस्तों बिहार के बारे में समझिएगा बिहार का स्थापना कब हुआ था दोस्तों तो बिहार का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था याद रखिएगा बिहार का स्थापना कब हुआ था तो 22 मार्च 1912 को हुआ था याद रखियेगा 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था बंगाल से अलग होकर इसलिए 22 मार्च को दोस्तों दो दिवस याद रखिएगा सबसे पहले तो बिहार दिवस मनाया जाता है ठीक है बिहार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है तो बाईस मार्च को और जल दिवस भी दोस्तों बाईस मार्च को ही मनाया जाता है दोस्तों बिहार में कितने जिला है दोस्तों याद रखिएगा तो बिहार में टोटल जिलों की संख्या दोस्तों अड़तीस है कितना है जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों बिहार में जिलों की संख्या दोस्तों अड़तीस है ठीक है आपको ध्यान रखना है बिहार में कितना जिला है अड़तीस जिला बिहार में कितने प्रमंडल है ठीक है याद रखिएगा बिहार में प्रमंडल की संख्या याद रखिएगा बिहार में टोटल नौ प्रमंडल है कितने प्रमंडल है नौ बिहार में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों तो बिहार में जो लोकसभा सीट है वो याद रखिएगा बिहार में लोकसभा सीट कितनी है चालीस है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बारवा सबसे बड़ा राज्य है बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है बारहवें नंबर पर आता है और बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है बिहार में कितना जिला है अड़तीस जिला ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ था ये एक नवंबर ठीक है एक नवंबर दो हजार ईस्वी को हुआ था ठीक है एक नवंबर दो हजार ईस्वी को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था तो दो जून दो हजार चौदह को हुआ था दो जून दो हजार चौदह को तेलंगाना का स्थापना हुआ था ठीक है गोवा का स्थापना कब हुआ दोस्तों देखिए एक यहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था पंद्रह सो दस में ठीक है देखिए सबसे पहले दोस्तों पुर्तगालियों ने किस राज्य पे कब्जा कर लिया था तो गोवा पे ठीक है कब किया था पंद्रह सो दस में किया था ठीक है 1510 में दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था और फिर जब भारत आजाद हो गया तो उन्नीस में फिर भी पुर्तगाली गोवा से भागे नहीं थे तो 1900 कब 1961 में ठीक है 1961 में दोस्तों पुर्तगाली गोवा से यानी कि गोवा पुर्तगालियों से आजाद हो गया ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों और गोवा जो स्थापना हुआ था गोवा को एक राज्य बनाया गया था उन्नीस में बनाया गया था कब बनाया गया था उन्नीस में गोवा को एक राज्य बनाया गया था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में कोरबा जो कोयला खदान है ये आपको ध्यान रखना है कि कोरबा कोयला खदान भारत किस राज्य में है तो छत्तीसगढ़ में ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों देखिए दोस्तों आपके लिए अगर मेहनत करे दोस्तों एक बार जरूर शेयर कीजिएगा जबरदस्त तरीके से ठीक है हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों जहां हो सके दोस्तों जब आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों तो मैं भी आपके लिए जबरदस्त तरीके से काम करूंगा ठीक है इसलिए एक बार सपोर्ट बनाए रखिएगा खास करके चलिए अगला सवाल देखिएगा नाइन नंबर सवाल आपके सामने है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों तो बारामूला जो है मैंने उससे याद रखिएगा बारामूला अगर बात करते हैं दोस्तों ये झेलम नदी के किनारे कौन सी नदी किनारे झेलम ठीक है दोस्तों देखिए बारामूला जो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है ठीक है याद रखिएगा बारामूला जो है कि जम्मू कश्मीर का जो दोस्तों जिला है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या है केंद्र शासित प्रदेश है तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है अठाईस राज्य है और आठ शासित प्रदेश है ठीक है उसी तरह से दोस्तों बारामूला क्या है जम्मू कश्मीर में जिला है जम्मू कश्मीर तो में टोटल कितने जिले है याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या दोस्तों टोटल तो बाईस है टोटल तो कितना जिला है दोस्तों जम्मू कश्मीर में टोटल दोस्तों बाईस जिला है कितना जिला है बाईस ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों बारामूला भी एक जिला है जम्मू कश्मीर का ठीक है तो बारामूला किस किनारे नदी किनारे स्थित है झेलम नदी किनारे ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं सबसे पहले बात करें दोस्तों कि तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है तो तुलबुल जो परियोजना है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तुलबुल परियोजना वो दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है वो श्रीनगर दोस्तों याद रखिएगा श्रीनगर ठीक है वो तो दोस्तों झेलम नदी के किनारे ही स्थित है श्रीनगर ठीक है वो श्रीनगर जो है दोस्तों ये झेलम नदी के किनारे ही स्थित है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों याद रखिए दोस्तों चेनाब नदी की अगर बारे में बात करते हैं समझिएगा सबसे पहले दोस्तों गंगा नदी के बारे में बात करते हैं देखिए अगर पूछेगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों तो गंगा नदी जो लंबाई है पच्चीस सौ पच्चीस किलोमीटर है कितना है पच्चीस सौ पच्चीस किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई गंगा नदी को बांग्लादेश में याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में ठीक है पद्मा के नाम से जाना जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना गंगा नदी को बांग्लादेश में

आगे बात करेंगे यहाँ पे गोदावरी नदी देखिए दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं तो गोदावरी नदी जो लंबाई है दोस्तों आपको ध्यान कि चौदह सौ पैसठ किलोमीटर कितना है चौदह किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है वृद्ध गंगा ठीक है याद रखिएगा वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को ठीक है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की ठीक है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी ठीक है याद रखिएगा सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी ये कहां से निकलती है गोदावरी नदी याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के नासिक के तिरंबकम के पहाड़ याद रखिएगा महाराष्ट्र के ठीक है महाराष्ट्र के नासिक से महाराष्ट्र के नासिक से तिरंबकम की पहाड़ी से निकलती है ठीक है तिरंबकम याद रखेगा तिरंबकम की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों कौन कौन सी नदी तो गोदावरी नदी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं पे समझिएगा सिंधु की जो लंबाई है दोस्तों याद रखिएगा सिंधु की लंबाई है सिंधु की लंबाई कितनी है तो अट्ठाईसो किलोमीटर कितना है अट्ठाईसो किलोमीटर सिंधु की पांच सहायक नदी है कौन कौन सा है याद रखिएगा सिंधु की पांच सहायक नदी झेलम ठीक है झेलम सतलज झेलम सतलज चेनाव राबी ठीक है राबी और ब्यास ठीक है ये क्या है ये है दोस्तों सिंधु की पांच सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी दोस्तों चेनाब है ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं कि सिंधु की पांच सहायक नदी है झेलम सतलज राबी चेनाब ब्यास सिंधु की लंबाई अठाई किलोमीटर सिंधु नदी निकलती कहां से है तो सिंधु नदी तिब्बत के मान सरोवर झील से निकलती है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों सवाल क्या था कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है तो ये झेलम नदी के किनारे है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं कि बारामूला किस नदी किनारे है झेलम नदी ठीक है आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखिएगा अगला दोस्तों दस नंबर सवाल देखिए दस नंबर सवाल क्या करें आपके सामने दस नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन और गंडक दोस्तों यहाँ पे क्या होगा गंडक ठीक है गंडक हो जाएगा गंडक एक नदी है गंडक के संगम पर बस, बसा है दोस्तों सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का सा कौन सा शहर जो है उस गंगा नदी सोन नदी और गंडक के संगम पर बसा है दोस्तों

उदायन जो है दोस्तों ये हरियक वंश का शासक है याद रखिएगा उदयन क्या है ये हरियक वंश का शासक ठीक है और उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर को बसाया था ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर हम बात करेंगे देखिए देखिए दोस्तों के बारे में बात करें, समझ, समझ मगध साम्राज्य का सबसे पहला जो राजधानी था दोस्तों वो राजगिरी ही था ठीक है बाद में क्या कर दिया गया दोस्तों पाटलिपुत्र कर दिया गया था ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं यहां पर समझिएगा अच्छा प्रथम बौद्ध बॉसगति कहा दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध बॉसगति जो हुआ था ठीक है प्रथम बौद्ध संगीति ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध जो संगीति हुआ था ठीक है वो कहा हुआ था तो राजगिरी में हुआ था कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति तो चार सौ पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों द्वितीय अगर बात करते हैं द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था तो ये दोस्तों तीन सौ पूर्व में हुआ था ठीक है और कहा हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों ये वैशाली में हुआ था कहा हुआ था वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था ठीक है तृतीय बौद्ध संगीति देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कहा हुआ था तो वैशाली में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति कहा हुआ था तो पाठ्यपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति ये भी आपको ध्यान रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति ठीक है बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहां हुआ था पाठ्यपुत्र में हुआ था दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति ये कब हुआ था तो दो सौ इक्यावन ईसापुर में हुआ था ठीक है दो सौ इक्यावन ईसा पूर्व में ठीक है याद रखिएगा और चार सौ तिरासी ईसापुर में दोस्तों ये सब क्या है ईसापुर है ठीक है आपको ध्यान रखना ईसापुर में क्या होता है घटता है ठीक है ईसापुर में क्या होता है घटता है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो तृतीय बौद्ध संगीति कहा हुआ था पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीति अगर पूछेगा आपसे चतुर्थ बौद्ध संगीति ठीक है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था ठीक है कुंडल वन कश्मीर दोस्तों ठीक है कुंडल वन कश्मीर कब हुआ था तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चलिए सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से बंगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा नदी ठीक है सोन नदी और गंडक नदी के संगम पर बसा है दोस्तों तो पाटलिपुत्र है ठीक है देखिए औरंगजेब के काल में दोस्तों पाटलिपुत्र को ठीक है याद रखिएगा अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, था किस नाम से अजीमाबाद ठीक है याद रखिएगा यानी कि बात करेंगे कि औरंगजेब के शासन यानी औरंगजेब के समय दोस्तों पाटलिपुत्र को अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम है वो दोस्तों कुसुमपुर है क्या है कुसुमपुर और पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था तो उदयन ने बसाया था दोस्तों उदायन जो है ये हरियघ वंश शासक है और हरियक वंश संस्थापक कौन थे बिंबिसार थे कौन थे बिंबिसार जो थे ये हरियघ वंश के संस्थापक थे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों मगध साम्राज्य का जो पहले राजधानी था राजगीर था बाद में क्या कर दिया गया पाटलिपुत्र इसका स्थानांतरण कर दिया गया था ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा ग्यारह नंबर सवाल देखिए ग्यारह नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है कि होंडरो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों याद रखिएगा कि होंडरो जलप्रपात दोस्तों ये रेखा नदी पर स्थित है रेखा नदी दोस्तों ये कहां है याद रखिएगा ये रांची में है दोस्तों कहां है रांची ठीक है झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची में ठीक है झारखंड की राजधानी रांची में दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी है मेन रूप से और हुडू जलप्रपात है यहीं पे हुडू जलप्रपात कहां पे है दोस्तों यहीं पे है स्वर्ण रेखा नदी पर दोस्तों रांची झारखंड में ठीक है अगर पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर है ठीक है याद रखिएगा कि धुआं ठीक है धुआं धार जलप्रपात दोस्तों ठीक है याद रखिएगा जल प्रपात दोस्तों किस नदी पर है तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर है ठीक है याद रखिएगा जोग या गरसोपा जलप्रपात दोस्तों याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा ठीक है जोगिया गरसोप्पा जो, जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है सरावती नदी पर दोस्तों कर्नाटक में ठीक है ये आपको ध्यान रखना सरावती नदी पर दोस्तों किस राज्य में है कर्नाटक में ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं महानदी पर दोस्तों कौन सा बांध है दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर किस राज्य में है दोस्तों ओडिशा राज्य में है और किस नदी पर है महा महानदी पर है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में अभी हम बात किए थे दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है चौदह है इसको दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है याद रखिएगा गोदावरी नदी कहां से निकलती है तिरंबकम के पहाड़ी से निकलती है त्रंबकम ठीक है तिरब तिर की पहाड़ी से निकलती है ठीक है याद रखिएगा यानी कि नासिक के त्रिंबकम की पहाड़ी से ठीक है नासिक के तिरंबकम के पहाड़ी से दोस्तों गोदावरी नदी निकलती है जिसकी लंबाई चौदह सौ पैंसठ किलोमीटर है इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है याद रखिएगा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को ठीक है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी ठीक या तो, हाँ तो, है याद रखिएगा तो हुडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है दोस्तों याद रखिए नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात ठीक है याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर दोस्तों हुडू जलप्रपात सरावती नदी पर जोग या जोगिया जलप्रपात कर्नाटक में है महानदी पर हिराकुंड बांध उड़ीसा में है ठीक है एक पूछेगा कि नियाग्रा जलप्रपात याद रखिएगा दोस्तों कि नियाग्रा जो जलप्रपात है ठीक है नियाग्रा जलप्रपात याद रखिएगा जल प्रपात दोस्तों ये ये सब का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात ठीक है याद रखिएगा ये कहां पे है तो ये अमेरिका और अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है ठीक है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर ठीक है कनाडा के सीमा पर दोस्तों सेंट लॉरेंस ठीक है सेंट लॉरेंस नदी के नदी के ऊपर है मेन रूप से ठीक है याद रखिएगा तो जलप्रपात जवरपात पे है अमेरिका और कनाडा पे है नियार आपको ध्यान रखना है चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा बारह नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों ठीक है है नंबर सवाल आपके सामने कि काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों तो काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी ठीक है याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी जो है ये काजू के

काली मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती की जाती है किसकी खेती की जाती है कपास की खेती जो की जाती है वो काली मिट्टी में की जाती है ठीक है याद रखिएगा जलोड मिट्टी दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली मिट्टी कौन सी है जलोड मिट्टी है भारत में सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है दोस्तों जलोड मिट्टी है कितना परसेंट पाया जाता है पूरे भारत में चालीस परसेंट पाया जाता है कितना परसेंट चालीस परसेंट ठीक है याद रखिएगा तो काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मिट्टी है 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 दोस्तों ठीक ये आपको ध्यान रखना चलिए अगला सवाल देखेंगे तेरा नंबर सवाल देखिएगा तेरा नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है तेरह नंबर सवाल है कि सरसो अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है ठीक है याद रखिएगा कि सरसो अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों ये राजस्थान में है कहा है

अगर बात करते हैं सबसे नया जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का सबसे नया जिला अगर पूछेगा सबसे नया जिला ठीक है सबसे नया जिला दोस्तों अरवल ठीक है वो आपको ध्यान रखना अगर पूछेगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो सबसे बड़ा जिला की अगर कर बात करते हैं सबसे बड़ा जिला बिहार का तो वो दोस्तों पश्चिमी चंपारण ठीक है पश्चिमी पश्चिमी चंपारण दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर पूछेगा देखिए उत्तर प्रदेश दोस्तों याद रहेगा आप दोस्तों कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है तो लोकसभा सीट दोस्तों अस्सी लोकसभा सीट है याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट दोस्तों किस राज्य का है तो उत्तर प्रदेश का अस्सी लोकसभा सीट है ठीक है और सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य का है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का ही राज्य का है यार पूछेगा सवाल कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य का है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल के सबसे छोटा राज्य कौन सा है गोवा ठीक है जनसंख्या के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के सबसे छोटा राज्य सिक्किम ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों तो सरसो अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है ये राजस्थान में में स्थित है के बारे हम बता दिए दोस्तों कि का एक अप्रैल उन्नीस सौ छत्तीस को हुआ था चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में जो जो सब भारत सबसे बड़े खाले पानी का झील चिल्का झील ठीक है याद रखिएगा चलिए देखिए दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर समझिएगा देखिए बात करेंगे कि भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां है लुधियाना दोस्तों कहां पड़ता है ये पंजाब में पड़ता है ठीक है लुधियाना तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब में है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान दोस्तों बिहार के दरभंगा जिला में है कहां है बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब में है ठीक है ये आपको दो पॉइंट्स याद रखना है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों चौदह नंबर सवाल देखिए

संविधान संशोधन ठीक है संविधान संशोधन के तहत संशोधन के तहत दोस्तों ठीक है इक्कीस संविधान संशोधन के तहत ये संविधान संशोधन कब हुआ था In 1967 को हुआ था याद रखिएगा तो इक्कीसवं संविधान संशोधन के तहत दोस्तों पंद्रहवीं जो भाषा जोड़ी गई है वो सिंधी भाषा जोड़ी गई है दोस्तों ठीक है उसके बाद बात करते हैं दोस्तों याद रखिएगा सिंधी भाषा के तो बाद दोस्तों याद रखिएगा पंद्रहवीं भाषा यानी सोलहवीं सत्रहवीं अठारवी ठीक है सोलहवीं भाषा दोस्तों सत्रहवीं भाषा यानी कि नेपाली ठीक है याद रखिएगा नेपाली मणिपुरी ठीक है मणिपुरी और कोंकर्णी ठीक है याद रखिएगा कोंकर्णी ठीक है कोंकर्णी जो भाषा जोड़ी गई है ठीक है आपको ध्यान रखना है नेपाली मणिपुरी कोंकर्णी ये तीन और भाषा जोड़ी गई है ठीक है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों याद रखिएगा आप बात करते हैं तो एकतरवा संविधान संशोधन ठीक है याद रखिएगा और बात करते हैं दोस्तों कि एकतरवा जो संविधान संशोधन हुआ था 71वां संविधान संशोधन ठीक है 71वां संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत दोस्तों तीन और भाषा को जोड़ा गया था नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो ये 1992 में, में हुआ था कब हुआ था सॉरी दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था कब हुआ था 1963, 1973 ठीक है याद रखिएगा 1973 को दोस्तों इकतरवां संविधान संशोधन हुआ था और इकहत्तरवा संविधान संशोधन के तहत नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा जोड़ा गया था दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों फिर और चार भाषा को जोड़ा गया है यहां पे देख लेते हैं और चार भाषा कौन कौन जोड़ा गया दोस्तों बोडो डोगरी मैथिली संथाली ठीक है याद रखिएगा कि बोडो ठीक है बोडो ठीक है डोगरी मैथिली याद रखिएगा मैथिली और संथाली ठीक है ये जो और चार भाषा को जोड़ा गया दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों तो नाइन्टी टूआ संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया है कब जोड़ा गया है 2003 यानी बावन नाइन्टी टूआ संविधान संशोधन के तहत चार और भाषा को जोड़ा गया है बोडो डोगरी मैथिली संथाली बोडो दोस्तों असम की भाषा है डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है और मैथिली दोस्तों जो बिहार का भाषा है और संथाली दोस्तों जो संथाल लोग जो बोलते हैं भाषा ठीक है जैसे कि संथाल कौन है जो आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू वो कौन सी आदिवासी महिला संथाल है ठीक है तो संथाली बोडो डोगरी मैथिली संथाली ये नाइन संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था सबसे पहले बात करें दोस्तों कि भारत के संविधान में आठवी में आठवीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाओं का उल्लेख किया गया ठीक है सबसे पहले बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे कि पहले कितनी भाषा थी पहले चौदह भाषा था पंद्रहवीं जो भाषा को जोड़ा गया मेन रूप से पंद्रहवीं भाषा को वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया सिंधी ठीक है जो इक्कीसवां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है 1967 को हुआ था उसके बाद नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा में जोड़ा गया ठीक है उन्नीस सौ संविधान संशोधन का था जो उन्नीस में हुआ ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों उसके बाद दोस्तों नाइनटी टू संविधान संशोधन बोडो डोगी मैथिली संथाली दो में जोड़ा गया ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों चलिए अगला सवाल देखिएगा पंद्रह नंबर सवाल देखिए ठीक है पंद्रह नंबर सामने है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपद किसे सौंपता है दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा जो अध्यक्ष अपना त्यागपद सौंपता है किसको सौंपता है तो उपाध्यक्ष को सौंपता है ठीक है किसे सौंपता है उपाध्यक्ष ठीक है याद रखिएगा अगर बात करेंगे देखिए लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का जो उल्लेख किया गया है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों आर्टिकल किसमें किया गया है आर्टिकल तिरानवे में किया गया ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद अनुदन में किया गया है ठीक है राष्ट्रपति को दोस्तों अनुच्छेद राष्ट्रपतिसठ के तहत क्या कर सकता है तो महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है ठीक है राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है याद रखिएगा राष्ट्रपति को क्षमादान ठीक है क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है क्षमादान की शक्ति वो किस आर्टिकल के तहत तो अनुच्छेद आर्टिकल बहत्तर के तहत प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर पूछेगा सवाल कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख इसमें किया गया है तो आर्टिकल 63 में किया गया है ठीक है आर्टिकल 63 में याद रखिएगा कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है और प्रधानमंत्री के पद का जो उल्लेख किया गया है याद रखिएगा प्रधानमंत्री के जो पद का उल्लेख किया है दोस्तों आर्टिकल ठीक है याद रखिएगा आर्टिकल पचहत्तर में किया गया ठीक है आर्टिकल पचहत्तर में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद तिरसठ में किया गया है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद में और आर्टिकल एकसठ के अनुसार राष्ट्रपति को क्या कर किया जा सकता है तो महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों अगर पूछेगा कि क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है आर्टिकल बहत्तर के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है यहां सवाल पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष ठीक है याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल तिरानवे में किया गया ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना सबसे पहले बात करेंगे देखिए अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों पैंतीस वर्ष होनी चाहिए कितनी वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा पैंतीस वर्ष होनी चाहिए ठीक है राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों पैतीस वर्ष होनी चाहिए ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगर पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों तो न्यूनतम उम्र सीमा पच्चीस वर्ष होनी चाहिए कितनी उम्र होनी चाहिए पच्चीस वर्ष ठीक है और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए पच्चीस वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए तीस वर्ष ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों मुख्यमंत्री के पद मुख के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री के पूछेगा कि मुख्यमंत्री के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम तो उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए तो पच्चीस वर्ष होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए ठीक है ग्राम पंचायत में जो मुखिया बनता है मुखिया जो होता है दोस्तों मुखिया ग्राम पंचायत में गांव में जो मुखिया होता है उसका उम्र सीमा दोस्तों वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए इक्कीस वर्ष यानी आपका इक्कीस वर्ष कंप्लीट हो चुका है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों मुखिया का ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर पूछेगा कि राज्यपाल के लिए दोस्तों ठीक है राज्यपाल के लिए पूछेगा तो राज्यपाल के न्यूनतम पर कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए तो पैंतीस वर्ष होनी चाहिए कितनी वर्ष पैंतीस वर्ष ठीक है राष्ट्रपति के लिए तो बता दिए हैं पैंतीस वर्ष उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए पैंतीस वर्ष प्रधानमंत्री के लिए पच्चीस वर्ष ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला है सोलह नंबर सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में ठीक है किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया दोस्तों यानी किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है तो शिलालेख में ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अशोक के बारे में समझिएगा तो अशोक जो है दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक है ये इसको प्रियदर्शनी भी कहा जाता है ठीक है प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है अशोक को ठीक है अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक है दोस्तों किस वंश का शासक है मौर्य वंश का शासक है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर पूछेगा कि अशोक का जो शासन काल माना जाता है यानी कब से कब तक ये शासन किया था शासन काल जो माना जाता है अशोक का कब से कब तक माना जाता है याद रखिएगा ये दो ईसा पूर्व से लेकर ठीक है याद रखिएगा दो ईसा पूर्व तक ठीक है दो ठीक है याद रखिएगा दोस्तों दो सौ उनहत्तर दोस्तों दो सौ तो निम्नलिखित में अशोक के नाम किया गया है शिलालेख में दोस्तों अशोक के नाम का उल्लेख किया दोस्तों देखिए अशोक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयी था यानी अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था ठीक है यह अभी आपको ध्यान रखना दोस्तों यानी अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था ठीक है अगर बात करेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों याद रखिएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कब किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का जो स्थापना किया था कब किया था स्थापना याद रखिएगा ये तीन सौ बाईस ईसापुर में किया था तीन सौ बाईस

इस इसको आजाद शत्रु भी कहा जाता है आजाद ठीक है आजाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यानी चंद्र बिंदुसार को घात के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और बिंदुसार का जो शासन काल माना जाता है याद रखिएगा दोस्तों तो 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 दो सौ ईसा पूर्व से ठीक है दो सौ ईसा पूर्व से लेकर दो ईसा पूर्व तक ठीक है ये बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है ठीक है बिंदुसार के बाद कौन आया तो बिंदुसार का बेटा देखिए चंद्रगुप्त मौर्य में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है तो अशोक के नाम का उल्लेख मास के शिलालेख में किया गया अशोक का बहुत सा नाम था ठीक है प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था दोस्तों दीवान प्रिय अशोक का ही नाम था ठीक है याद रखिएगा और अशोक का शासन काल कब से कब तक दो से दो सौ तैतालीस तैतीस ईसापुर तक दोस्तों ठीक है याद देखिए मौर वन संस्थापक वन था चंद और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था मेगास्थनीज भारत में कब से कब तक रहा था यूनानी था दोस्तों यूनान से आया था ठीक है तीन सौ पांच ईसा पूर्व से लेकर दो सौ संतानवे ईसापुर तक ठीक है ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे अठारह नंबर सत्रह नंबर सवाल देखिए सत्रह नंबर सवाल के सामने क्या कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है चाय जो उत्पादक सबसे बड़ा राज्य दोस्तों वो असम है ठीक है असम जो है ये भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान आता है यानी प्रथम स्थान किसका है तो प्रथम स्थान है दोस्तों असम का द्वितीय स्थान पे कौन आता है दोस्तों द्वितीय जो स्थान पे आता है चाय उत्पादन में वह दोस्तों पश्चिम बंगाल और तृतीय जो स्थान पे आता है तीसरा स्थान पर वह दोस्तों तमिलनाडु ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर ठीक है अच्छा झारखंड का स्थापना कब हुआ था तो झारखंड का स्थापना हुआ था पंद्रह नवंबर दो हजार ईस्वी को ठीक है पंद्रह नवंबर दो हजार ईस्वी को झारखंड का नया राज्य का स्थापना हुआ था ठीक है याद रखिएगा दोस्तों अगर पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है और दोस्तों असम है जो असम प्रथम स्थान पर आता है दूसरा स्थान पर दोस्तों पश्चिम बंगाल आता है और तीसरा स्थान पर उत्पादन में तमिलनाडु आता है ठीक है देखिए दोस्तों चाय में क्या होता है दोस्तों चाय में कैफीन होता है क्या होता है कैफीन ठीक है ये आपको ध्यान रखना कॉफी में भी दोस्तों कैफीन होता है ठीक है कॉफी में भी कैफीन होता है चलिए अगला सवाल देखेंगे अठारह नंबर सवाल देखिएगा अठारह नंबर सवाल क्या कर आपके सामने देखिए सवाल सामने दोस्तों कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों दोस्तों तो पोंग बांध ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है। कहा है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पोंग बांध है ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों पोंग बांध है है दोस्तों दोस्तों ये ये किस नदी पर स्थित ब्यास नदी पर कौन सी नदी पर ब्यास नदी देखिए दोस्तों ब्यास जो नदी है ये सिंधु की सिंधु की सहायक नदी है ब्यास ठीक है ये आपको ध्यान रखना है देखिए पोंग बांध जो निकलती है दोस्तों ठीक है ब्यास नदी जो निकलती है देखिए अगर पूछेगा सवाल कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किस राज्य में है हिमाचल प्रदेश ठीक है सबसे पहले सवाल पूछेगा उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि देखिए पर समझिएगा कि राजस्थान में दोस्तों एक आ, राजस्थान में में दोस्तों दोस्तों एक एक है 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 नहर जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर ठीक है इंदिरा गांधी नहर ठीक है दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है ये मेन रूप से राजस्थान में है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और राजस्थान और पंजाब दोस्तों ये दोनों इस नहर से लाभान्वित होते हैं यानी दोनों इस नहर से पानी लेता है ठीक है यानी भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है तो इंदिरा गांधी नहर है जो मेन रूप से राजस्थान में स्थित है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है और पोंग बांध जो है ये मेन रूप से भारत किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में है अच्छा माता टीला बांध दोस्तों किस किस राज्य में है माता टीला बांध, माता जो बांध है ये मेन रूप से किस राज्य में है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है तो रिहंद नदी पर है किस नदी पर रिहंद नदी पर दोस्तों माता टीला बांध ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग अगला सवाल आपके सामने है नंबर सवाल देखिएगा सवाल सवाल क्या अगर आपके सामने नंबर है कि भारतीय तो भारती वनस्पति सर्वेक्षण है दोस्तों तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहा है ये कोलकाता में है दोस्तों ठीक है याद रखिएगा कोलकाता में भारतीय ठीक है वनस्पति सर्वेक्षण है जो मेन रूप से याद रखिएगा दोस्तों कहाँ है कोलकाता में इसके संस्थापक कौन थे तो जॉर्ज सर जॉर्ज किंग थे ठीक है सर जॉर्ज किंग ठीक है सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सर जॉर्ज किंग जो थे वनस्पति सर्वेक्षण का स्थापना किए थे यानी कि भारतीय सर्वेक्षण का संस्थापक कौन थे दोस्तों इसके जो संस्थापक थे ये आपको ध्यान रखना है संस्थापक कौन थे तो कौन थे संस्थापक तो सर जॉर्ज किंग ठीक है सर जॉर्ज किंग जो है ये क्या है ये है दोस्तों भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं दोस्तों समझिएगा यहाँ पे देखिए जबलपुर की अगर बात करते हैं अच्छा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों ठीक है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा भारत वन अनुसंधान केंद्र वन अनुसंधान जो केंद्र है ये मेन रूप से कहाँ है वन अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये देहरादून में है ठीक है सवाल पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय ठीक है उष्ण कटिबंधीय ठीक है कटिबंधीय अनुसंधान उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र ठीक है उ कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जो है अनुसंधान केंद्र दोस्तों ठीक है कहां है ये से जबलपुर मध्य प्रदेश में ठीक है सवाल क्या पूछेगा फिर से देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहां है तो ये कोलकाता में दोस्तों संस्थापक कौन थे संस्थापक थे सर जॉर्ज किंग ठीक है सवाल पूछेगा कि वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है ठीक है जबलपुर में क्या है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों उन्नीस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखिएगा बीस नंबर सवाल देखिए देखिए दोस्तों नंबर सवाल आपके सामने है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है ये दोस्तों स्मॉल है क्या है जी का मान क्या होगा दोस्तों क्या होता है ध्रुव रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुव की जाने पर जी का मान जो होता है दोस्तों बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है ठीक है देखिए सबसे ज्यादा जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है दोस्तों सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो जी का मान होता है ठीक है ध्रुव पर होता है किस पे होता है ध्रुव पर सबसे अधिक ठीक है यानी ध्रुव पर सबसे अधिक जी का मान होता है ये आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक कहां पे होता है ध्रुव जी का मान ध्रुव पर जी का मान कितना होता है याद रखिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जी का मान होता है स्मॉल जी का कैपिटल जी का मान कितना होता है दोस्तों तो कैपिटल जी का मान होता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन गुण दसवा और माइनस ग्यारह न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ठीक है ये किसका होता है मान तो ये कैपिटल जी का मान होता है ठीक है स्मॉल जी का मान नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ठीक है और सबसे अधिक जी का मान जो होता है ध्रुव पर होता है देखिए पृथ्वी के ऊपर जाने पर दोस्तों जी का मान घटेगा ठीक है पृथ्वी यहाँ पे है याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि पृथ्वी ठीक है देखिए समझिएगा पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान क्या करेगा घटेगा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है पृथ्वी से नीचे जाने पर दोस्तों पी, जी का मान भी घटेगा यानी पृथ्वी के नीचे जाने से पृथ्वी के नीचे जाने से जी का मान घटेगा ध्रुव पर आपको ध्यान रखना है और जी का मान कितना होता है, पर होता है। पर होता। और कैपिटल जी का मान सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन पर माइनस ग्यारह मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग

एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट किया जाता है कौन सा टेस्ट एलिसा टेस्ट किया जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के जांच के लिए ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है है ठीक देखिए दोस्तों एड्स कैसे होता है तो एच से होता है एच का फुल फॉर्म क्या होता है ह्यूमन अमीनो वायरस ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है दो दिसंबर को दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस याद रखिएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कहा जाता है तो विश्व कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर ठीक है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ठीक है याद रखिएगा साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मनाया जाता है वो तो दोस्तों दो दिसंबर मनाया जाता है चार दिसंबर को याद रखिएगा ठीक है सेना दिवस मनाया जाता है चार दिसंबर को नौ सेना दिवस दोस्तों ठीक है चार दिसंबर को नौसेना दिवस याद रखिएगा पांच दिसंबर को दोस्तों ठीक है मृदा दिवस याद रखिएगा विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस याद रखिएगा दोस्तों और दस दिसंबर को याद विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं देखिए दोस्तों नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों बाईस नंबर नंबर सवाल है यूनिसेफ ठीक है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों याद कीगा? ये मेन किया न्यूयॉर्क में कहां पे है न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था ठीक है दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था ये उन्नीस में हुआ था कब हुआ था उन्नीस में यूनिसेफ का स्थापना हुआ था जेनेवा में दोस्तों किसका किसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों जेनेवा में जैसे कि डब्ल्यू ठीक है डब्ल्यू एच ओ डब्लू और आई एल ओ ये तीनों का जो मुख्यालय है डब्ल्यू एच ओ डब्लू टी ओ आई एल ओ तीनों का मुख्यालय कहा है जिनेवा में तीनों का स्थापना कब हुआ था डब्ल्यू का स्थापना कब हुआ था सात अप्रैल उन्नीस को हुआ था याद रखिएगा सात अप्रैल ठीक है सात अप्रैल उन्नीस को दोस्तों का स्थापना हुआ था एक जनवरी उन्नीस को याद रखिएगा एक जनवरी ठीक है एक जनवरी उन्नीस को किसका स्थापना हुआ था डब्लू का और आई का जो स्थापना हुआ था ये उन्नीस में हुआ था कब हुआ था उन्नीस में आई का स्थापना हुआ था आई का ओ फोरम क्या होता है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये आपको ध्यान रखना है गैट का पुराना नाम क्या है ठीक है याद रखिएगा कि जी ए टी टी ये डब्ल्यू टी ओ का पुराना नाम क्या है दोस्तों गैट ठीक है ये आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करेंगे समझिएगा यहाँ पे कि पेरिस में किसका मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय यू एन ई एस -E सी ओ यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ है? पेरिस में यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है याद रखिएगा अगर पूछेगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है इसका स्थापना मेन रूप से कब हुआ था यूनेस्को का स्थापना उन्नीस में हुआ था कब हुआ था उन्नीस में यूनेस्को का स्थापना हुआ था न्यूयॉर्क में दोस्तों किसका मुख्यालय है देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में तो है ही प्लस में याद रखिएगा ये यूएनओ का भी मुख्यालय दोस्तों यूएनओ का स्थापना कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था याद रखिएगा ठीक है चौबीस अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था दोस्तों इसमें टोटल कितना देश शामिल है ठीक इस है इसमें टोटल दोस्तों एक सौ तिरानवे एक सौ तिरानवे और जो एक सौ तिरानवे हुआ था वो दक्षिणी सूडान है है कौन दक्षिणी सूडान दोस्तों ठीक है दोस्तो, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों दक्षिणी सूडान ठीक है याद रखिएगा दक्षिणी सूडान जो है ये मेन रूप से शामिल है एक सौ तिरानवे देश ठीक है ये आपको ध्यान रखना है यूएनओ का मुख्यालय कहा है न्यूयॉर्क में यूएनओ का स्थापना चौबीस अगर उन्नीस सौ फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों याद रखिएगा सॉरी यूनेस्को का फॉर्म क्या होता है ऑर्गनाजेश शामिल है, ठीक है? इसमें एक सौ तिरानवे देश शामिल है बात करेंगे किसका मुख्यालय दोस्तों रखिएगा कि नाटो का मुख्यालय बताइए नाटो का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में दोस्तों और एक और किसका है यूरोपियन यूनियन का याद रखिएगा यूरो यूरोपियन यूनियन का दोस्तों ठीक है यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ये यह से कहा है तो ये ब्रुसेल्स में है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स यानी जो दोस्तों ये बेल्जियम की राजधानी है किसकी राजधानी है ब्रुसेल्स तो बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स में ही यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ठीक है याद रखिएगा और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में नाटो का फॉर्म क्या होता है नेशनल याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसका स्थापना उन्नीस सौ उनचास में हुआ था कब हुआ था 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था ठीक है ये आपको इसमें टोटल कितना नाटो में तो 32 देश शामिल है और यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 है। है? 27 देश 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 शामिल 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 है है तो है वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय दोस्तों याद किया? तो ठीक है और वर्ल्ड बैंक का डब्लू बी वर्ल्ड बैंक और आई का जो मुख्यालय है मेन रूप से कहां पे है वाशिंगटन डीसी में आई का क्या होता है इंटरनेशनल मोनिटरी फंड और विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है वाशिंगटन डीसी ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला दोस्तों तेईस सवाल देखिए तेईस भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था दोस्तों तो भक्ति आंदोलन को जो प्रारंभ किए थे वो रामानंद ने किए थे कौन किए थे रामानंद ने दोस्तों भक्ति आंदोलन प्रारंभ किए थे याद रखिए उत्तर भारत में सवाल पूछेगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसने किया था तो रामानंद ने किया राम था कि लेकिन अलवार एवं नैनार या दोनों के बारे में बात करते हैं अलवार एवं ने दोस्तों दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में ठीक है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था तो दक्षिण भारत में भक्ति जो आंदोलन है याद रखिएगा ये आंदोलन प्रारंभ दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किए थे किसने तो अलवार एवं नयनार ने ठीक है ये दोस्तों।, तो तो दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं चौबीस नंबर सवाल देखिए देखिए दोस्तों चौबीस नंबर सवाल क्या करे आपके सामने चौबीस नंबर सवाल है कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था दोस्तों आत्मीय सभा स्थापना किए थे वो राजा राम मोहन राय ने किए थे याद रखिएगा 1815, कि राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1815 में ठीक है 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था ये आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय ने किए थे स्वामी थे ठीक है आर्य समाज का स्थापना किए थे कब किए थे आर्य समाज में किए थे कब किए थे पचहत्तर में आर्य समाज का स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद दोस्तों याद राम कृष्ण मिशन का स्थापना किए थे राम कृष्ण मिशन राम कृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था अठारह सो संतानवे में हुआ था ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों इनको नोबल पुरस्कार कब दिया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार जो दिया गया था याद रखिएगा नोबल नोबल प्राइज जो दिया गया था कब दिया गया था तो उन्नीस में दिया गया था ठीक है साहित्य के लिए दिया गया था यानी कि लिटरेचर के लिए साहित्य के लिए ठीक है इनको दिया गया था खास करके नोबल पुरस्कार नोबल पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था नोबल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था याद रखिए आइए उन्नीस में हुआ था कब हुआ था उन्नीस में ये सिक्स क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों नोबल पुरस्कार ठीक है मेन रूप से दस दिसंबर को वितरण किया जाता है दस दिसंबर को ये नोबल पुरस्कार दिया जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था तो राजा राममोहन राय ने दोस्तों ब्राह्मण समाज की स्थापना भी किसने किया था तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय अठारह को उपाधि किसने दिया था राजा राम मोहन राय को राजा द्वितीय ने दिया था याद तो रा द्वितीय ने, या ने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सी उपाधि लौटा दिया था ठीक है याद रखिएगा तो केसर एहिंद की उपाधि कौन लौटाए थे पूछेगा

पच्चीस नंबर सवाल को सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन उन्नीस के समय जेल से भाग कर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी दोस्तों किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी याद रखिएगा तो जयप्रकाश नारायण ठीक है इनको जो है दोस्तों हजारीबाग जेल में इनको बंद कर दिया गया था ठीक है हजारीबाग जेल में इनको याद रखिएगा हजारीबाग ठीक है हजारीबाग जेल में इनको बंद कर दिया गया था यहीं से दोस्तों फरार हो गए थे खास करके यानी रस्सी से चढ़कर ठीक है और फरार हो गए थे खास करके हजारीबाग जेल से कौन तो जयप्रकाश नारायण यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जो जेल से भाग कर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी तो जयप्रकाश नारायण और जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों कुंवर सिंह के बारे में अगर बात करते हैं तो अठारह क्रांति के समय बिहार से किसने भाग लिया था बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे यानी अठारह क्रांति अठारह की क्रांति क्रांति अठारह सौ नवी क्रांति बिहार बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों बिहार से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कुंवर सिंह थे वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से कर रहे थे कहां से कर रहे थे जगदीशपुर के रहने वाले जगदीशपुर ठीक है कहां से रहने वाले हैं जगदीशपुर के रहने वाले ठीक है आरा के जगदीशपुर के याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह के अगर बारे में बात करते हैं तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह हैं प्रथम मुख्य मंत्री कौन है श्री कृष्ण सिंह श्री कृष्ण सिंह के दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है याद रखिएगा बिहार केसरी किसे कहा जाता है तो बिहार केसरी जो है ये श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों आपको ध्यान रखना है देखिए इंपॉर्टेंट है कि नौ अगस्त उन्नीस को ठीक है याद रखिएगा कि नौ अगस्त उन्नीस को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और मेन मेनुष इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे कौन कर रहे थे महात्मा गांधी मेरे से इसका लीड कर रहे थे नेतृत्व कर रहे थे ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिए थे करो या मरो ठीक है करो या मरो का जो नारा दिए थे महात्मा गांधी ने ये उन्नीस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिए थे ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है और भारत छोड़ो आंदोलन उन्नीस के समय जेल से भाग किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी जयप्रकाश नारायण ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे छब्बीस नंबर सवाल देखिएगा देखिए दोस्तों छब्बीस नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने देखिए छब्बीस नंबर सवाल है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों जठर रस का जो पीएच मान होता है दोस्तों ये दो होता है मेन रूप से जो जठर रस का जो पीएच मान होता है ये 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है यानी डेढ़ डेढ़ से लेकर अढ़ाई तक होता है दोस्तों जठर रस का पीएच मान पीएसमान यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या मान सकते हैं तो दो हो जाएगा यानी जठर रस का पीएच मान कितना होता है दो होता है अच्छा पीएच का खोज किसने किया था सबसे पहले बात करेंगे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है पीएच का जो फुल फॉर्म होता है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है ये आपको ध्यान रखना है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म अगर बात करेंगे कि पीएच का खोज किसने किया था तो पीएच का जो खोज किए थे ये आपको ध्यान रखना है ये सोरेंसन ने किया था सोरेंसन ठीक है सोरेंसन ने पीएच का खोज किया था दोस्तों ये आपको ध्यान रखना अगर बात करेंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है तो सेवन पॉइंट फोर ठीक है रक्त का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों रक्त का पीएच मान सभी लोग जानते होंगे सेवन पॉइंट फोर होता है ठीक है अगर बात करेंगे कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो सिक्स होता है दोस्तों मूत्र का पीएच मान याद रखिएगा कि मूत्र का जो पीएच मान होता है पीएच मान कितना होता है तो सिक्स होता है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है जठर रस का पीएच मान कितना होता है डेढ़ से लेकर अढ़ाई के बीच होता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों दो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीएच का खोज पावर ऑफ हाइड्रोजन फुल फॉर्म होता है पीएच का खोज किसने किया था सोल ने किया था रक्त का पीएच मान सेवन पॉइंट फोर मूत्र का पीएच मान दोस्तों सिक्स होता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ से एक थोड़ा सा देख लीजिएगा देखिए दोस्तों स्टार्टिंग बात करें जीरो से लेकर दोस्तों चौदह के बीच में होता है कहां तक होता है बीच में क्या आता है दोस्तों सात आता है सात से अगर कम होता है तो दोस्तों अम्लीय कहलाता है जिसका पीएच मान सात से कम होगा वो अम्लीय कहलाएगा और जिसका मान सात से अधिक होगा वो दोस्तों कहलाता है कैसी प्रकृति की है प्रकृति की जैसे बात करेंगे तो सिक्स होता है क्या हो जाएगा ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा क्योंकि सात से क्या है दोस्तों ये कम है ठीक है ये आपको ध्यान अगर अगर किसी का साथ रहेगा हम तो आपको बता दिए सात से अधिक रहेगा तो अम्लीय और साथ से सात से कम रहेगा तो अम्लीय और सात से अधिक रहेगा तो क्षारीय लेकिन रहेगा तो क्या होगा? तो रहे तो ये उदासीन होगा क्या होगा उदासीन, ठीक है? ये आपको चलिए अगला सवाल सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, है। समझिएगा जठर रस देखिए दोस्तों जठर रस जो मेन रूप से है दोस्तों निम्नलिखित पदार्थ होते हैं जैसे कि बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में HCL बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी को म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है ठीक है, hydro, है ये आपको ध्यान रखना है और पेप्सिन ठीक है पेप्सिन जो है एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है सवाल पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है तो पेप्सिन एंजाइम जो क्या करता है दोस्तों प्रोटीन का पाचन करता है एंजाइम क्या करता है दोस्तों केसीन प्रोटीन का पाचन करता है सवाल पूछेगा कि केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है तो रेनिंग एंजाइम क्या करता है केसीन प्रोटीन का पाचन करता है जैसे बात करेंगे बच्चा क्या करता है दोस्तों दूध पीता है ठीक है जब बच्चा दूध पीता है तो उसका जो मेन रूप से क्या होता है दूध दूध में क्या होता है दोस्तों मेन रूप से केसिन पाया जाता है क्या पाया जाता है केसिन ठीक है तो दूध का जो पाचन मेन रूप से करता है तो वो रेनिंग एंजाइम करता है ठीक है कौन करता है रेनिंग एंजाइम हम लोग क्या दोस्तों प्रोटीन है खाना खाते हैं पेप्सिन एंजाइम करता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे अगला है दोस्तों आपके सामने सताइस नंबर सवाल देखिएगा देखिए नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग है सबसे कम है दोस्तों सबसे कम पूछना है सबसे कम किसकी तरंग है याद रखिएगा इस ऑप्शन के अनुसार अगर बात करेंगे सबसे कम तरंग दोस्तों ये एक्स किरणे का है ठीक है लेकिन सबसे कम तरंग दोस्तों गामा किरण का होता है आपको याद रखना है

तो निम्नलिखित में से किसकी तरंगदे सबसे अधिक होता है सबसे कम होता है सॉरी सबसे कम किसका होता है तो तरंगदेह का एक्स किरण का होता है सबसे कम किसका होगा दोस्तों गामा किरण का होगा अच्छा किस रंग का तरंगदे सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का तरंगदेह सबसे अधिक होता है दोस्तों याद रखिएगा लाल रंग का तरंगदेह सबसे अधिक होता है आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदे अधिक होता है पूछेगा कि सबसे कम तरंगे किसका होता है तो याद रखिएगा बैगनी का होता है बैगनी ठीक है का सबसे कम होता है, सबसे अधिक लाल रंग का होता है कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ठीक है कोरापुट जो दोस्तों मेन रूप से ये बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए बॉक्साइड के लिए ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दोस्तों? दोस्तों कोरापुट जो है मेन रूप से

बॉक्साइड जो है वो तो दोस्तों ओडिशा में किस राज्य में है ओडिशा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है और सबसे ज्यादा जो भंडार पाया जाता है बॉक्साइड का वो मेनुष लोहरदगा झारखंड में है दोस्तों ठीक है याद रखिएगा यानी बॉक्साइड का सबसे अधिक भंडार ठीक है सवाल पूछेगा कि सबसे अधिक भंडार बॉक्साइड का कहाँ पे है तो सबसे अधिक जो भंडार है सबसे अधिक भंडार भंडार का मतलब दोस्तों वहां पे जमा है भंडार जो है वो कहाँ है लोहरदग्गा याद रखिएगा लोहरदग्गा दोस्तों कहाँ पड़ता है ये झारखंड में पड़ता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है सवाल पूछेगा कि कोरापुर डेमनिक्रेट में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों तो बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है ठीक है बॉक्साइड एल्युमुनियम का और सबसे अधिक जो बॉक्साइड पाया जाता है किस राज्य में पाया जाता है ओडिशा में पाया जाता है ठीक है और सबसे अधिक भंडार किस में है देखिए अधिक पाना और भंडार अलग अलग है दोस्तों तो भंडार सबसे अधिक जब भंडार पूछेगा सबसे अधिक पे है लोहरदग्गा झारखंड हो जाएगा सबसे अधिक पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों ठीक है ठीक है दोस्तों चलिए कॉपर के आयस के कौन कौन से दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट ये भी आपको ध्यान रखना है अगला सवाल देखिएगा उनतीस नंबर सवाल उन्तीस नंबर सवाल आपके सामने है कि क्वाड क्वाड में कौन कौन से चार देश शामिल है दोस्तों यूएसए रूस ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान भारत फ्रांस जर्मनी ऑप्शन सी दोस्तों कतर यूएसए ऑस्ट्रिया डेनमार्क यूएसए जापान भारत ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है यूएसए जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया ये चार देश है दोस्तों जिसमें क्वाड में शामिल है ठीक है यूएसए इसको तो क्या बोलते हैं दोस्तों यूएसए ठीक है यानी कि यूएसए ठीक है यानी कि अमेरिका यूएसए क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है अमेरिका जापान दोस्तों ठीक है याद रखिएगा जापान का धन क्या होता है टोक्यो ठीक ज़ी है जापान की राजधानी क्या होता है टोक्यो ठीक है जापान जापान की की मुद्रा मुद्रा क्या क्या होता 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 है 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 दोस्तों येन येन ठीक है और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों की राजधानी कैनबरा होता है क्या होता है कैनबरा ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों ठीक है अच्छा कतर की राजधानी क्या होता है थोड़ा सा राजधानी देख लेते हैं कतर की राजधानी दोस्तों दोहा होता है क्या होता है दोहा जो होता है ये कतर की राजधानी होता है दोहा ठीक है याद रखिएगा दोहा ठीक है चलिए आगे बात करेंगे जैसे कि डेनमार्क की राजधानी क्या होता है दोस्तों तो डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपन हेगन होता है याद रखेगा कोपन कोपन डेनमार्क की राजधानी होता है ऑस्ट्रिया पे यहाँ पे देखिएगा दो चीज हम आपको समझाएंगे ऑस्ट्रेलिया है एक ऑस्ट्रिया है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एक महाद्वीप के साथ साथ देश भी है जिसके राजधानी दोस्तों कैनबरा होता है लेकिन ऑस्ट्रिया की जो राजधानी होती है ये वियना होता है क्या होता है वियना ठीक है ये आपको ध्यान जर्मनी राजधानी दोस्तों बर्लिन होता है फ्रांस राजधानी दोस्तों पेरिस होता है राजधानी टोक्यो ठीक है चलिए समझ गए होंगे तो तो क्वाड में कौन सा चार देश शामिल है यूएसए तो जापान भारत ऑस्ट्रेलिया ठीक है चलिए अगला है तीस नंबर सवाल देखिए तीस नंबर सवाल सामने है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो चार फरवरी को ठीक है याद रखिएगा चार फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है आपको ध्यान रखना है दोस्तों और दो फरवरी को दोस्तों विश्व आद्र भूमि दिवस याद रखिएगा सवाल पूछेगा कि विश्व आदर भूमि दिवस जो मनाया जाता है भूमि दिवस वो दो फरवरी को मनाया जाता है कब मनाया जाता है दो फरवरी को ठीक है दो फरवरी को विश्व आद्र भूमि दिवस दोस्तों दो फरवरी को याद रखिएगा चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, दिवस, दिवस। नौ जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस वो 9 जनवरी को मनाया जाता है याद रखिएगा 12 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस ठीक है राष्ट्रीय युवा दिवस ठीक है याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ठीक है दस जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस ठीक है विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो दस जनवरी को चौबीस जनवरी दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है ठीक है वो कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को याद रखिएगा अगर बात करेंगे यहां पे समझिएगा थोड़ा सा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है 4 फरवरी को 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे अठारह में तो वापस कब आए थे तो वापस आए थे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को ठीक है 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत से दक्षिण अफ्रीका आए दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत ठीक है इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारतीय यानी प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों देखिए विश्व कैंसर दिवस चार फरवरी को नौ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बारह जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस दस जनवरी को विश्व हिंदू दिवस और चौबीस जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस अब विश्व आदर्भ भूमि दिवस दोस्तों दो फरवरी को मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखेंगे इकतीस नंबर सवाल के सामने क्या करा है देखिए दोस्तों इकतीस नंबर सवाल के सामने है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों तो सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों याद रखिएगा इंदिरा कॉल क्या दोस्तों इंदिरा कॉल जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये लद्दाख में स्थित है कहा है दोस्तों लद्दाख में ठीक है याद रखिएगा लद्दाख में दोस्तों को लद्दाख दोस्तों लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है याद रखिएगा लद्दाख में जो जिलों की संख्या है है ठीक जिलों की संख्या कितनी है तो पहले लद्दाख में दो जिला था कौन कौन सा लेह और कारगिल और जोड़ दिया गया है टोटल कितने जिले हो गए सात जिला दोस्तों पूछेगा यहाँ पे समझिएगा अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया इंदिरा कॉल भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों की हो ठीक है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ठीक है सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात करते हैं बिंदु तो क्या हो जाएगा की बीत हो दोस्तों कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में की बीतू है अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों गुहार मोदी दोस्तों क्या हो जाएगा ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा गुहार मोदी दोस्तों कहां पे है ये गुजरात में है कहां है गुजरात ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगला क्या है इंदिरा पॉइंट दोस्तों ये ग्रेट निकोबार में स्थित है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ठीक है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ये दोस्तों गुहार इंदिरा पॉइंट दोस्तों सॉरी इंदिरा पॉइंट जो है कहां पे ग्रेट कहा है ग्रेट निकोबार में कहाँ स्थित है ग्रेट निकोबार ठीक है ग्रेट निकोबार ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है इंदिरा कॉल है दोस्तों ये कहां स्थित है लद्दाख में भारत सबसे दक्षिणी दस दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की जो अरुणाचल प्रदेश में है और भारत सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती दोस्तों जो कहां है गुजरात में है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं बत्तीस नंबर सवाल देखिएगा बत्तीस है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां थी दोस्तों कन्नौज था ठीक है याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां थी कन्नौज ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अच्छा पाटलिपुत्र को किसने बसाया था दोस्तों तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था तो बताया था उदयन ठीक है बताया था बसाया उदयन ने बसाया था ठीक है उदयन ने दोस्तों ठीक है याद रखिएगा यानी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया किया था ने किया था ने ठीक है यह आपको ध्यान रखना है जयपुर शाह किसने बसाया था तो सवाई जैसी प्रताप सवाई जैसी प्रताप ठीक है याद रखिएगा यानी जयपुर शहर को किसने बसाया था सवाई जैसी प्रताप ठीक है प्रताप ठीक है ये आपको

ठीक है दो सौ उनहत्तर ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों दो सौ तैतीस ईसा पूर्व तक इसका शासन काल माना गया दो सौ तैतीस ईसापूर्व में इसका देहांत हो गया था ठीक है बिंदु माना जाता है तो दो सौ संतानवे ईसा पूर्व से लेकर ठीक है दो सौ संतानवे ईसा पूर्व से लेकर दो सौ तिहत्तर ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का जो दोस्तों जितने मौर्य वंश का स्थापना किया था ठीक है याद रखिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है मौर्य वंश के संस्थापक चंदगुप्त मौर्य है दोस्तों याद रखिएगा इसका स्थापना कब किए थे तो दो सौ संतानवे ईसा सॉरी तीन सौ बाईस ईसा पूर्व में ठीक है तीन सौ बाईस ईसा पूर्व में चंदगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे और चंदगुप्त मौर्य का शासन काल माना जाता है याद रखिएगा दो तीन सौ बाईस ईसा पूर्व से लेकर ठीक है तीन सौ बाईस ईसा पूर्व से लेकर दो सौ दो सौ अंठानवे ईसा पूर्व तक ठीक है याद रखिएगा सवाल क्या था कि सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप कहाँ स्थित है तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है कहा स्थित है मध्य प्रदेश में दोस्तों सांची का स्तूप स्थित है याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सांची शहर में ही सांची का स्तूप स्थित है ठीक है ये आपको ध्यान रखना अच्छा सांची का जो स्तूप का जो फोटो दिया गया है वो कितने रुपए के नोट पर है दोस्तों तो ये दो सौ रुपए के नोट पर दिया गया है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना यानी कि दो सौ के नोट पर दोस्तों सांची का स्तूप के बारे में वर्णन किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आप समझ गए हो दोस्तों देखिए यहां पर समझिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा कौन था अशोक ठीक है यार आपको ध्यान रखना है यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था बिंदुसार बिंदुसार और का बेटा कौन था अशोक अशोक जो दोस्तों ये बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का अनुवायी था यानी बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को मानता था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखिएगा चौतीस नंबर सवाल देखिए देखिए चौतीस नंबर सवाल है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत ये वायसराय कौन थे दोस्तों ये लॉर्ड लिंड लिथगो थे आपको बताए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन उदाहरण में महात्मा गांधी दोस्तों ठीक है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे किसका नारा दिए थे करो या मरो ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों चौतीस नंबर सवाल क्या था दोस्तों चौतीस नंबर सवाल था उन्नीस सौ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे ठीक है तो भारत के वायसराय कौन थे लॉर्ड लिन लिथगो थे कौन थे लॉर्ड लिन लिथगो अगर बात करते हैं कि 1905 में क्या हुआ था दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ठीक है बंगाल जो विभाजन हुआ था याद रखिएगा बंगाल विभाजन वो लॉर्ड कर्जर के शासनकाल में हुआ था 1905 में ये आपको ध्यान रखना है ठीक है 1905 में लॉर्ड कर्जन शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था याद रखिएगा अगर बात करते हैं कि लॉर्ड लिटन दोस्तों ठीक है वर्ना कूलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था वर्ना कूलर ठीक है प्रेस एक्ट याद रखिएगा प्रेस एक्ट को लाया किसने था दोस्तों लाया था लॉर्ड लिटन ने लाया था और रद्द कर दिया था कौन लॉर्ड रिपन याद रखिएगा वर्ना प्रेस कूलर एक्ट को रद्द किसने किया था तो वर्ना कूलर प्रेस एक्ट को प्रेस एक्ट को रद्द किया था दोस्तों किसने किया था रद्द तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था ठीक है याद रखिए दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दस के आधार पर जनगणना शुरू हुआ था अठारह में ये आपको ध्यान रखना है यानी कि दस के आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था ठीक है दस के आधार पर जनगणना दस के आधार पर ठीक है दस के आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था जो जनगणना शुरू किया गया था दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है वो कब किया गया था अठारह सौ इक्यासी में शुरू किया गया था ठीक है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है अगर बात करते हैं दोस्तों कि उन्नीस सौ बयालीस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड लिनलिथगो थे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आठ अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को शुरू हुआ था याद रखिएगा मेडूप से नौ अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को शुरू हुआ था ठीक है नौ अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को शुरू हुआ था ठीक है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखिएगा पैंतीस नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है पैंतीस नंबर सवाल है पैंतीस नंबर सवाल एक निम्नलिखित का सही कलाक्रम बताइए तो सही इसको चूज करना और उसको व्यवस्थित करना दोस्तों द्वितीय गोल तो में, में हुआ था याद किया तो ये प्रथम गोल में समय उन्नीस सौ में द्वितीय गोल में उन्नीस सौ में हुआ था याद किया 1931 में द्वितीय गोल में सबलिन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था याद किया 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था नौ अगस्त उन्नीस को ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों याद रखिएगा अट्ठाईस दिसंबर अठारह सौ पचासी को अट्ठाईस दिसंबर अठार सौ पचास को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था साइमन कमीशन भारत कब आया था साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था उन्नीस सौ अट्ठाईस में कब आया था उन्नीस सौ अट्ठाईस डेट आपको याद रखना है कि द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था उन्नीस सौ इकतीस प्रथम गोल में सम्मेलन उन्नीस सौ तीस में हुआ था द्वितीय गोल में सम्मेलन उन्नीस सौ इकतीस में हुआ था तृतीय गोल में सम्मेलन उन्नीस सौ बत्तीस में हुआ था ठीक है ये आपको डेट याद रखना तीनों गोल में सम्मेलन में कौन भाग लिए थे

छत्तीस नंबर सवाल क्या करें आपके सामने छत्तीस नंबर सवाल है कि किम्बरले हीरा खनन किस देश में स्थित है दोस्तों याद दो रखिएगा ये मेन मेरे से दक्षिण अफ्रीका में ठीक है सवाल क्या है कि किम्बरले हीरा जो खनन है ये किस देश में स्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ब्राजील की राजधानी क्या होता है दोस्तों ब्राजीलिया याद रखिएगा ब्राजीलिया जो होता है ये ब्राजील की राजधानी होता है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है अफगानिस्तान की राजधानी क्या होता है दोस्तों काबुल ठीक है काबुल जो होता है ये अफगानिस्तान की राजधानी होता है ठीक है अफगान अफगानी यहाँ की मुद्रा है ठीक है अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है अफगान अफगानी अफगान ठीक है अफगानी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं कि नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों अबूजा ठीक है याद रखिएगा अबूजा जो होता है अबूजा ठीक है ये नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा ठीक है वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई याद रखिएगा हनोई क्या है ये वियतनाम की राजधानी है हनोई ठीक है तो किम्बरले हीरा खनन किस देश में स्थित है तो दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के तीन राजधानी होता है दोस्तों प्रिटोरिया ब्लेम फाउंटेन ठीक है और केप टाउन याद रखेगा केपटाउन कौन कौन सा है यानी केप टाउन केप टाउन जो होता है ये दक्षिण अफ्रीका राजधानी होता है प्रीटोरिया प्रीटोरिया दोस्तों ये है एक ब्लेम ब्लेम फाउंटेन ठीक है फाउंटेन ये तीन राजधानी होता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का ठीक है केप टाउन प्रिटोरिया ब्लेम फाउंटेन तीन राजधानी दक्षिण अफ्रीका का होता है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया अफगानिस्तान का राजधानी काबुल दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन प्रिटोरिया ब्लैम फाउंटेन नाइजीरिया का अबूजा और वियतनाम की राजधानी हनोई ठीक है किम्बरले हीरा हीरा खनन जो किस देश में स्थित है तो ये मेन रूप से दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखिएगा सैंतीस नंबर सवाल देखिए ठीक है देखिए दोस्तों सैंतीस नंबर सवाल क्या कह रहा है सैंतीस नंबर सवाल है कि तसोकर वेटलैंड यानी दोस्तों ये क्या है ये आर्द्र भूमि है ठीक है भारत किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों ये लद्दाख में स्थित है कहा स्थित है लद्दाख ठीक है यह आपको ध्यान रखना दोस्तों लद्दाख क्या है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है आपको ध्यान रखना क्या है केंद्र शासित प्रदेश है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो याद रखिए दोस्तों वर्तमान में आठ केंद्र शासित प्रदेश है राज्य कितने हैं अट्ठाइस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या दोस्तों भी केंद्र शासित प्रदेश है पहले क्या था राज्य था दोस्तों ठीक है अगर बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में ध्यान क्या होता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर कितना जिला है याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जिलों की जो संख्या है जिलों की संख्या है या आपको ध्यान रखना दोस्तों बाईस जिला है कितना जिला है बाईस जिला है दोस्तों ठीक है लद्दाख में कितना जिला है दोस्तों याद रखिएगा लद्दाख में है सात जिला कितना है पहले दो था लेह और कारगिल पांच और बढ़ गया दोस्तों सात हो गया है ठीक है सिक्किम का अगर बात करते सिक्किम राजधानी क्या है दोस्तों गंगटोक आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश क्या है दोस्तों ये पूर्वी एक राज्य है ठीक है पूर्वी राज्य याद रखिएगा दोस्तों सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का की बीथू क्या है सबसे पूर्वी राज्य है तो तसोकर वेटलैंड भूमि भारत किस क्षेत्र में स्थित है तो लद्दाख में याद रखिएगा दोस्तों अगर बात करते हैं कि पेंगोंग झील दोस्तों पेंगोंग झील याद रखिएगा पेंगोंग झील जो है ये मेन रूप से किस राज्य में है तो लद्दाख में ही है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना लद्दाख की राजधानी क्या होता है लेह है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो लेह के लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है ठीक है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी लद्दाख में है याद रखिएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ठीक है याद रखिए दोस्तों सबसे बड़ा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है वह दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ठीक है हेमिस हे, मिस, ठीक है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ठीक है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है लद्दाख में स्थित है दोस्तों ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे अड़तीस नंबर सवाल देखिए आपके सामने है दोस्तों कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है दोस्तों दोस्तों याद रखिएगा तो कैल्शियम कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है क्या होता है रिकेट्स ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों ठीक है अगर बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है रिकेट्स रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है ये आपको ध्यान रखना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स होता है जो बच्चों में मेन रूप से होता है ठीक है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ये आपको ध्यान रखना है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सी होता है क्या होता है कैलसी ठीक है कैल्सियम फिरल जो होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है अगर बात करते हैं अस्कर्वी दोस्तों अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता, रो होता है विटामिन सी का कमी से अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं कि बेरी बेरी दोस्तों विटामिन बी वन की कमी से होता है आपको ध्यान रखना है कि विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है ठीक है अगर बात करते हैं दोस्तों कि रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है ठीक है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी विटामिन ए e का रासायनिक नाम रेटिनॉल ठीक है रेटिनॉल विटामिन ए e का रासायनिक नाम होता है ठीक है तो कैल्शियम की कमी से ठीक है कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स होता है ये आपको ध्यान रखना है विटामिन की कमी से रतौंधी होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है कैल्शियम की कमी से भी वही रोग होता है और कैल्सियम दोस्तों ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है ठीक है विटामिन सी कमी से रोग होता है मसूड़ों से खून निकलना विटामिन सी का रासायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड बे होता है विटामिन बी वन है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है तो थामीन होता है क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों चलिए अगला सवाल देखेंगे उनचालीस नंबर सवाल देखिएगा देखिए दोस्तों उनचालीस नंबर सवाल आपके सामने है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना यानी बांग्लादेश आजाद कब हुआ था बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था ये उन्नीस सौ इकहत्तर में होता है याद रखेगा पहले बांग्लादेश क्या था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान था ठीक है पूर्वी पाकिस्तान था उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी कि से पश्चिमी पाकिस्तान से नाराज होकर दोस्तों बहुत मतलब ताना मारता जाता था पाकिस्तान वाला बांग्लादेश के साथ इसीलिए बांग्लादेश क्या किया बांग्लादेश अपने आप को आजाद कर लिया यानी कि नाइनटीन को बांग्लादेश आजाद हो गया था तो बांग्लादेश की राजधानी क्या दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो याद रखिएगा ढाका है ठीक है ढाका इसकी राजधानी है बांग्लादेश का ये आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों तो टाका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है ठीक है याद रखिएगा अगर बात करते हैं कि भारत के भारत के साथ कितना किलोमीटर बांग्लादेश सीमा साझा करता चालीस छियानवे किलोमीटर चालीस छियानवे किलोमीटर जो है बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों अच्छा उन्नीस में क्या था? था हुआ था याद रखिएगा शिमला समझौता कब हुआ दोस्तों शिमला समझौता ये आपको ध्यान रखना है शिमला समझौता हुआ था उन्नीस ठीक है शिमला समझौता उन्नीस सौ बहत्तर में क्या था? हुआ था इसरो का स्थापना हुआ था इसरो आई इसरो का स्थापना कब हुआ इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था ये आपको ध्यान रखना है 1965 में दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था ठीक है ताशकंद समझौता कब हुआ है ताशकंद समझौता 1965 में ताशकंद समझौता 1972 में शिमला समझौता ठीक है आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं कि 1900 ताशकंद समझौता दोस्तों 1965 में हुआ था या फिर 1966 में ये कंफर्म होकर बताइएगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था ठीक है थोड़ा तो सा मैं कंफ्यूज हूँ आपको ध्यान बताया है कि समझौता कब हुआ था ठीक है तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना उन्नीस सौ बना देखिए बांग्लादेश भारत के पांच राज्यों के साथ सीमा जाता है याद रखिए या बांग्लादेश जो है भारत के पांच राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों चालीस नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल आइए दोस्तों दे, देखते हैं देखिए बात करते हैं चालीस नंबर सवाल क्या है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है याद रखिएगा तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों बुल्लर झील ठीक है कौन सी है बुल्लर झील दोस्तों जो कहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा जम्मू कश्मीर ठीक है जम्मू कश्मीर में बुलर झील स्थित है अगर बात करते हैं चिल्का झील दोस्तों ये कहाँ है तो ये दोस्तों उड़ीसा में जो भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील ठीक है भारत के सबसे बड़े सबसे बड़े खारे पानी का झील ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं लोकटक झील है? दोस्तों ये कहाँ है ये दोस्तों मणिपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है मणिपुर में क्या है लोकटक झील ठीक है और लोकटक झील दोस्तों लोकटक झील पर ही एक किबुलबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहा है तो किबुल लाम जाओ किबुल लाम जाओ राष्ट्रीय जो उद्यान है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कीबूल राष्ट्रीय उद्यान कि, किस झील पर है लोकटल लोकटक झील कहाँ है मणिपुर में कहा है मणिपुर ठीक है 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 आपको ध्यान रखना लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र लोनार झील कहां है महाराष्ट्र में ही आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में लोनार झील है ठीक है उलका पिंड के गिरने से उलका पिंड के गिरने से बना है दोस्तों उल्का पिंड के गिरने से बना है ठीक है उलका पिंड के गिरने से बना है लोनार झील ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है भारत में मीठे पानी सबसे सब बड़ी झील बुल्लर झील अच्छा सांभर झील दोस्तों कहां है याद रखिएगा सांभर झील दोस्तों कहा है सांभर झील ये दोस्तों राजस्थान में है कहा है राजस्थान ठीक है यह आपको ध्यान रखना है राज स्थान अगर बात करते हैं कि चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में जो भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील लोकटल झील मणिपुर में और लोकटल झील पर दोस्तों केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान की झील पर है लोकटल झील जो भारत का एक मार्ग तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लाल जाओ राष्ट्रीय उद्यान लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में चिल्का झील पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हमने चालीस प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों ठीक है एक बार जो जबरदस्त तरीके से इसको शेयर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद वंदे मातरम